हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंट विद अनदर वीडियो विच इज आवर चैप्टर 13 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट एंड चैप्टर नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टू पॉइंट्स। वन इज द MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अनदर वीडियो अनदर टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक मोटर। तो लेट अस स्टार्ट एंड स्टार्टिंग विद MRI। MRI इट स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एज वी ऑल नो दैट इन आवर बॉडी, इन आवर नर्वस सिस्टम, a weak electric current travels, means information in our nervous system, these travel in form of a weak electric current, mild electric current, यानी जिसको हम बोलते हैं electrical impulses, तो हमारे body में जो electrical impulses travel करती हैं, वो weak electric current के form में travel करती हैं। And in this chapter we have studied that where current flows, where electric current flows, there magnetic effects sustains, यानी कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है। तो इन द सेम वे हमारे बॉडी में भी, यानी कि जिन बॉडी ऑर्गन्स में या नर्व सेल्स जिसको आप न्यूरॉन्स कहते हैं, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं, उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ट्रैवल करने की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है। हालाँकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्वाइट वीक है, दैट इज़ वेरी वीक मैग्नेटिक एंड इन कंपेरिजन टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का 1 बिलियंथ है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बॉडी के अदर ऑर्गन्स में उतना इफेक्टिव तो नहीं होता है, बट इन केस ऑफ हार्ट एंड ब्रेन देर आर टू ऑर्गन्स इन विच द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इट इज क्वाइटली रिकॉग्नाइजेबल। मीन्स जो हार्ट और ब्रेन हमारे दो बॉडी ऑर्गन्स हैं, इन बॉडी ऑर्गन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी रिकॉग्नाइजेबल होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है, या कहें कि वो इतना स्ट्रांग होता है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। और MRI टेक्निक के थ्रू हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं उनके रिजल्टिंग जो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है, उन्हीं मैग्नेटिक वेव्स की स्कैनिंग की जाती है। यानी हार्ट या ब्रेन की जो MRI होती है, तो उस MRI टेक्निक में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ट्रैवल करने की वजह से जो मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, उन मैग्नेटिक वेव्स को हम स्कैन करते हैं और उसकी स्कैनिंग से क्या होती है, एक इमेज बनाई जाती है, और वही इमेज जो है बॉडी ऑर्गन्स को डायग्नोस करने में हेल्प करती है। मीन्स दैट स्कैनिंग, दैट इमेज फॉर्मेशन विल बी नॉर्मल इफ देयर इज नो डिसेबिलिटी इन बॉडी ऑर्गन। अगर बॉडी ऑर्गन्स में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो स्कैनिंग जो आती है वो क्या होती है, नॉर्मल आती है। और अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो स्कैनिंग उस एबनॉर्मलिटी के साथ आती है, और इसी स्कैनिंग के थ्रू यानी MRI टेक्निक वर्क करती है, या यही है MRI एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक मेडिकल एप्लीकेशन। यानी कि हमारे डेली लाइफ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एप्लीकेशन है, मेडिकल एप्लीकेशन है, कि मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जाता है। और वो यूज ये है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज जो ट्रैवल करते हैं सेंसरी सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, उन नर्व इम्पल्सेज के ट्रैवल करने की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है, उस मैग्नेटिक इफेक्ट की जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन मैग्नेटिक वेव्स को स्कैन किया जाता है MRI मशीन के थ्रू या उस स्कैनर के थ्रू। और जिन ऑर्गन्स की स्कैनिंग की जाती है मैग्नेटिक वेव्स की, और उससे जो इमेज ऑब्टेन होती है, उस इमेज को हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स या जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उस स्कैन इमेज से नॉर्मल पिक्चर किसी ऑर्गन की कंपेयर करते हैं और उससे डायग्नोसिस करते हैं, और किसी भी डिसेबिलिटी को या किसी भी एबनॉर्मलिटी को पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक मशीन है, एक रोटेटरी डिवाइस है। रोटेटरी डिवाइस में इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वो रोटेट करती है, और उसके रोटेशन की वजह से क्या होता है, उसका व्हील रोटेट करता है, और व्हील के मूवमेंट से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी आती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक मोटर रोटेटरी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मीन्स
electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy. And when electrical energy is passed in electric motor, then axle and wheel of electric motor starts rotating. यानी कि वो रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, घूमना चालू कर देते हैं. एंड हाउ डज इट हैपन, दिस विल कम टू नो, दिस विल डिस्कस इन दिस वीडियो. बट बिफोर दैट, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इफ वी टॉक अबाउट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज इन वैरायटी ऑफ डिवाइसेज, नंबर ऑफ डिवाइसेज लाइक फैन, गीजर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स. ये जो सारे डिवाइसेज हैं, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फैन है या फिर इलेक्ट्रिक गीजर है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर्स है, MP3 प्लेयर्स है, इन सभी के सभी डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है. एंड इलेक्ट्रिक मोटर का अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, यानी कि क्या मैकेनिकल है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट कैरिंग कंडक्टर मूव्स, मीन्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर मोशन इज प्रोड्यूस्ड. मीन सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है उस पर, और उस फोर्स के रिजल्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होती है. यानी कोई भी वो वायर, कोई भी वो कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो कर रही हो, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेट उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, उस पर एक फोर्स लगाता है, और मैग्नेट के उस फोर्स की वजह से कंडक्टर यानी वायर क्या होता है, वो मूव करने लगता है, उसमें मोशन प्रोड्यूस हो जाता है. यही है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. मीन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करती है, और वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेट के पास रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसकी वजह से कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स लगता है, और कंडक्टर के फोर्स लगने की वजह से कंडक्टर में मोशन प्रोड्यूस हो जाता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोटर, अगर हम मोटर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो मोटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, जिसको कि आप यहाँ ABCD के फॉर्म में देख सकते हैं कि जो ABCD स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. और ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होती है, कॉपर वायर की बनी होती है, और वो कॉपर वायर क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं. इंसुलेटेड मीन्स उन कॉपर वायर पर क्या होता है, किसी इंसुलेटर की कवर चढ़ी होती है, इंसुलेटर की कोटिंग होती है. और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर की कॉइल जो है ABCD, इस ABCD को प्लेस किया जाता है किस पे, मैग्नेट्स के टू पोल्स के बीच में, मैग्नेट के टू पोल्स के बीच में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि N और S लिखा हुआ है. ये N क्या है, ये मैग्नेट है जिसका कि नॉर्थ पोल इधर फेस कर रहा है, और इधर जिसमें S लिखा हुआ है, ये दूसरा मैग्नेट है जो कि साउथ पोल उसका फेस कर रहा है. ये दोनों मैग्नेट को हम अपोजिट रखते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों साइड के लिए, यानी AB और CD आर्म्स के लिए, दोनों साइड की क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन या स्टिक मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन जो वो अपोजिट हो, तो इसलिए इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल होता है. तो ABCD कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, टू मैग्नेट्स के बीच में रखा गया, जिनकी की पोल्स क्या है, दूसरे के अपोजिट है, दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहे हैं. और इस कॉइल को इस तरह से प्लेस किया जाता है, यानी कि ABCD जो रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर की बनी, इस कॉइल को मैग्नेट पे ऐसे प्लेस किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इसमें फ्लो करने वाली, कॉइल में फ्लो करने वाली करंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. जैसे कि आप देखें तो ये जो है मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट की डायरेक्शन हो गई और करंट डायरेक्शन इसमें ऐसे आती है, ठीक है. और ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक डायरेक्शन है और करंट डायरेक्शन ये हो जाएगी आपके, ठीक. तो उसके बाद इस रेक्टेंगुलर कॉइल को किससे जोड़ा गया है, देखिए टू सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर भी कहते हैं. इस रेक्टेंगुलर कॉइल की जो आर्म्स है वो जुड़ी है सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर से, जिसको कि यहाँ पे लेवल किया गया है पी और क्यू, पी एंड क्यू से लेवल किया गया है. तो ये पी और क्यू जो स्ट्रक्चर है, ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये है स्प्लिट रिंग्स, जो कि दो हाफ रिंग्स बनी हुई है. यानी कि एक पूरा जो ऐसा रिंग है, एक जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसी को दो पार्ट में डिवाइड करना, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट रिंग हो जाएगा. तो ये स्प्लिट रिंग्स है, और स्प्लिट रिंग्स जुड़ी हुई है इससे, ये कार्बन ब्रशेस जो कि छोटे छोटे दो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर इनको कि एक्स और वाई से लेबल किया गया है. ये है आपका एक्स और ये है, यानी ये है वाई और ये है एक्स, और ये एक्स वाई स्ट्रक्चर क्या है, ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस है.
और ये कार्बन प्रोसेस क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, जबकि ये स्प्लिट रिंग और ये पूरी की पूरी क्वाइल क्या है, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकती है, ये मूवमेंट में आ सकती है। इस प्रोसेस को फिर से करंट किया गया किससे, बैटरी से, यानी इलेक्ट्रिक सोर्स से करंट किया गया है। ब्रश एक्स को इधर पॉजिटिव टर्मिनल से और ब्रश वाई को इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो ये है पूरा का पूरा सर्किट। यानी एक बार फिर से देखते हैं कि तापर की बनी रेक्टेंगुलर क्वाइल एबीसीडी, इस रेक्टेंगुलर क्वाइल को रखा गया टू मैग्नेट्स के बीच में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और दोनों मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं वो क्या करें, दूसरे को अपोजिट फेस कर रहा है, अपोजिट फेसिंग पोल्स है, इसका देखिए नॉर्थ पोल सामने, इसका साउथ पोल सामने। अब इस क्वाइल को इधर मैग्नेट के बीच में रखा गया है और आगे यहाँ पे कनेक्ट किया गया है टू सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर, यानी हाफ सर्किल, हाफ सर्कल का स्ट्रक्चर बनाया, यानी जो स्प्लिट रिंग जिसको कह रहा है, जो कि पी और क्यू से लेवल किया गया है, इससे कनेक्टेड है। और फिर ये पी और क्यू, ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर से कार्बन प्रोसेस से कनेक्ट है, जिसको कि एक्स और वाई से लेवल किया गया है, यानी पी और क्यू कॉन्टैक्ट में है एक्स और वाई के, और फिर एक्स और वाई एक्सटर्नल सर्किट से यानी बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर का, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर का यही स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब आती है बात वर्किंग मैकेनिज्म की, यानी ये मोटर वर्क कैसे करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने इन कार्बन प्रोसेस एक्स और वाई को कनेक्ट किया है बैटरी से, जिसमें एक्स जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और वाई जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो जब हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे, यानी स्विच ऑन करेंगे या प्लग की को लगाएंगे, तो करंट ट्रैवल करना शुरू करेगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, और वो करंट कैसे ट्रैवल करेगी, यहाँ से चलते हुए ऐसे रोटेट करके आएगी एक्स में, एक्स से फिर पी में, पी से फिर जाएगी इस आर्म में, और इसमें जो है ए से बी ट्रैवल करेगी, और ए से बी फिर सी, पी से डी, डी से होते हुए फिर यहाँ पर आएगी किसमें, इस दूसरे वाले स्प्लिट रिंग यानी क्यू में आएगी, और क्यू से फिर ये वाई ब्रश के थ्रू होते हुए ऐसे ट्रैवल करेगी, यानी करंट का ये पाथ हो जाएगा क्या, यहाँ से ऐसे प्लस से स्टार्ट होकर के एक्स, फिर पी, पी से फिर ए बी सी डी, फिर क्यू, फिर वाई, फिर ऐसे ये करंट का पाथ हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी इस पूरे पूरे सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करेगी। प्लग की को इन करते हैं तो करंट ऐसे होते हुए आर्म ए बी में पहुंचती है, और जब ए बी में पहुंचती है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गई, तो मूवमेंट कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, तो यानी आर्म ए बी नीचे की तरफ जाएगी। ठीक उसी तरह से इसमें देखें तो करंट ये हो गया आपका, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो अब ये मूवमेंट क्या होगा, इस पोजिशन में ए बी जो है डाउनवर्ड मूव करेगी, सी डी अपवर्ड मूव करेगी, और जैसे ही ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी क्वाइल, यानी हाफ रोटेशन कंप्लीट करने मतलब ये जो सी डी है वो ए बी के प्लेस पे आ जाएगी, यानी यहाँ हो जाएगा डी, और यहाँ हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी, और जब यहाँ पे बी आ जाएगा तो अब फिर से वही कंडीशन अप्लाई करिए, अब सी डी क्या होगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, ए बी अपवर्ड मूव करेगी, तो ये हर हाफ रोटेशन के बाद, यानी आर्क्स में करंट डायरेक्शन अल्टर होती रहती है, और करंट डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए अल्टर होती रहती है, इसके लिए हर हाफ रोटेशन के बाद उनका मोशन क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, कि ए बी जो है फर्स्ट हाफ रोटेशन में जहाँ पर डाउनवर्ड मूव कर रहा था, अब सेकेंड हाफ रोटेशन में वो अपवर्ड मूव कर रहा है, और जो सी डी फर्स्ट हाफ रोटेशन में अपवर्ड मूव कर रही थी वो सेकेंड हाफ रोटेशन में डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो यह है मोटर के फंक्शनिंग का मैकेनिज्म। इस तरह से मोटर यानी कि ये क्वाइल ए बी सी डी मूव करती है, जब क्वाइल ए बी सी डी मूव करती है तो पूरा का पूरा स्प्रिंग रिंग मूव करता है, और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ ये एक्सल मूव करता है, और इसी एक्सल पर फिट होती है क्या व्हील, और ये यानी एक्सल से चाहे अब जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होगी वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से रोटेशन या मोशन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, तो यह है मोटर का वर्किंग मैकेनिज्म। एक बार ब्रीफ में फिर से देख लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है ए बी सी डी, जिसको कि प्लेस किया गया है टू मैग्नेट्स के बीच में, और दोनों मैग्नेट्स के पोल्स क्या है, दूसरे के अपोजिट फेसेस में है, फिर ए बी सी डी जो कि इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में प्लेस है उसको आगे कनेक्ट किया गया है सेमी सर्कुलर पार्ट से, यानी ये जिसको कहते हैं स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग कनेक्ट है टू ब्रशेस एक्स और वाई से। स्प्लिट रिंग को हमने पी और क्यू से दिखाया है, और ब्रशेस को एक्स और वाई से दिखाया है, और एक्स ब्रश जो है और वाई ब्रश ये बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, जब इसमें हम स्विच को ऑन करते हैं या की को प्लग इन करते हैं, ऐसे सिचुएशन में फिर क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है,
और करंट फ्लो जो करती है वो यक्स ब्रश से होते हुए पी और पी से होते हुए फिर ऐसे ए बी सी डी, सी डी से होते हुए क्यू, क्यू से होते हुए वाई और ऐसे ट्रैवल करती है। तो जब करंट इस आर्म में ए बी में फ्लो करेगी तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्सेज लग रहे हैं और करंट ऐसे ट्रैवल कर रही है। इसके रिगार्डिंग प्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जब अप्लाई करेंगे तो प्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सिचुएशन ये हो जाएगी, देखिए ये करंट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई और मूवमेंट हो जाएगा डाउनवर्ड, हो जाएगा ए बी में डाउनवर्ड मोशन होता है। ठीक उसी तरह से जिस आर सी डी यानी जो सी में करंट यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, सी से डी की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसके रिगार्डिंग प्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के रिगार्डिंग इसमें अपवर्ड मोशन होगा यानी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा यानी ऐसे कॉइल घूम जाएगी, जब कॉइल घूमेगी हाफ रोटेशन के बाद ये सी डी जो है यहाँ आ जाएगा और ए बी यहाँ आ जाएगा। तो जब सी डी यहाँ पे आएगा तो ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगा प्लस एक्स के और जब ए बी यहाँ आ जाएगा तो वो आ जाएगा कॉन्टैक्ट में प्लस वाई के साथ और जब ये प्लस एक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा सी डी तो करंट डायरेक्शन डी से सी में जाएगी और ठीक उसी तरह से जब ए बी जो है वाई के कॉन्टैक्ट में आएगा तो करंट डायरेक्शन यहाँ पर बी से ए हो जाएगी। यानी अब ए बी के लिए करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या हो गई, रिवर्स हो गई और सी डी के लिए भी वही बात हो गई, करंट डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गई। तो हाफ रोटेशन के बाद अब सी डी जो कि पहले अपवर्ड मूव कर रहा था यहाँ आने के बाद वो डाउनवर्ड मूव करेगा और ए बी जो कि डाउनवर्ड पुश हो रहा था यहाँ आने के बाद वो अपवर्ड मूव करेगा। तो ठीक इस तरह से यानी ये रोटेशन होता रहता है, ऐसे ऐसे जो है कॉइल मूव करती रहती है और कॉइल के ऐसे मूव करने के साथ साथ क्या होता है, ये पूरा स्प्लिट रिंग और एक्सल मूव करता है और एक्सल के मूवमेंट से हमको मैकेनिकल एनर्जी यानी वो रोटेटरी एनर्जी मिल जाती है जिससे कि हम किसी डिवाइस को रोटेट करा सकते हैं, यानी कि आपका फैन रोटेट करता है या मिक्सर रोटेट करता है, ग्राइंडर रोटेट करता है, तो वो इसी तरह से रोटेट करता है। ये है डिस्क्रिप्शन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। और अब लास्ट पॉइंट हमारा बनता है कमर्शियल मोटर और सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में। तो कमर्शियल मोटर में क्या होता है कि यहाँ पर पहला डिफरेंस ये होता है स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस इफ वी कंपेयर सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर एंड कमर्शियल मोटर तो वी फाइंड दैट कि कमर्शियल मोटर 2022 का कमर्शियल मोटर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी पावर थोड़ा ज़्यादा होती है और सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कम होती है। ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस कि ऑर्डिनरी जो बार मैग्नेट हमने यूज किया है सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ क्वाइल्स में नंबर टर्न्स ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से कमर्शियल मोटर ज्यादा पावरफुल होती है और इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर वो कम पावरफुल होती है। तो एक बार डिफरेंसेस को फिर से देख लेते हैं कि कमर्शियल मोटर और सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में डिफरेंस ये है कि कमर्शियल मोटर ज़्यादा पावरफुल होती है, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर लेस पावरफुल होती है। और ये पावर का डिफरेंस कहाँ से आता है, वो डिफरेंस आता है पहला कि बार मैग्नेट की जगह कमर्शियल मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है और दूसरा ये जो कॉइल होती है कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाते हैं और इन कॉइल्स में सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं उस तरह से, तो सॉफ्ट आयरन कोर बना दिया जाता है तो मैग्नेटिक फोर्सेस यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और इसकी वजह से मूवमेंट ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन है मोटर के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।